क्या आप भी ट्राई सिटी में विला, फ्लैट, प्लॉट, शॉप, शोरूम या कोई अन्य प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं? तो जरा रुकिए, क्योंकि अब आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी अपडेट टीवी चैनल आपके लिए लेकर आए हैं रियल एस्टेट फेयर, जहां एक ही छत के नीचे होंगे 150 से ज्यादा रियल एस्टेट ब्रांड्स, ऑन द स्पॉट बुकिंग, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट्स और भी बहुत कुछ। तो फिर मिस ना करें ये तीन गोल्डन डेज जो आपको पहुंचाएंगे आपकी ड्रीम प्रॉपर्टी तक। 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक लगने वाले इस फेयर में पहुंचे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वेन्यू है मेला ग्राउंड, सेक्टर 34, चंडीगढ़। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। बहुत सारे ऐसे भी फोन करने वाले हमारे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारा बजट नहीं है, आप हमारे बजट के अंदर कोई अच्छी चीज़ दिखाएं। तो हमारा भी ये मन रहता है कि जो बेचारे जिनके पास फाइनेंशियल सिस्टम इतना ठीक नहीं है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ढूंढ के लाया जाए। तो नेशनल हाईवे से जस्ट मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे खड़ा हूं, जो चंडीगढ़ से जलंधर को या कुल्लू मनाली को या जी एंड के को जाता है, उससे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हम खड़े हुए हैं। एक छोटा सा सामने जो मेन रोड जा रही है, जिसमें ट्रैफिक चल रहा है, ऑटो चल रहे हैं, स्कूटर व्हीकल चल रहे हैं, इससे साथ में एक फ्लाईओवर है जिसको क्रॉस करने के बाद हम कुराली शहर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, पीसफुल एरिया है, और ये घर जो आप देख रहे हैं पीछे बना हुआ है 95 गज में ये 3 BHK घर बन रहा है, इसके साथ 110 गज का भी है। और ये जो घर है ये बिल्कुल रेडी होकर आपको सिर्फ 27 लाख रुपए का मिलेगा, 95 गज का घर। और अगर आपने 100 गज का यानी 110 गज का घर लेना है तो वो 30 लाख रुपीज में आपको 100 गज का 3 BHK घर मिल जाएगा। और बैंक लोन इस पे अवेलेबल है, नक्शा इसका पास है, इमीडिएट पोजेशन वाली जो बात है वो 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसकी पोजेशन भी मिल जाएगी। अब अगर आपका बजट कम है और आप हाईवे के पास और यहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए दोनों रास्ते आपके लिए अवेलेबल होंगे, चाहे आप पीजीआई वाली रोड चले जाओ, कुराली से पीजीआई सीधी बस आपको सर्विस मिल जाएगी, या आप खरड़ वाली साइड से भी चंडीगढ़ जा सकते हैं। तो दोनों रास्ते हैं, पीजीआई वाली तरफ जो हमारा न्यू चंडीगढ़ वाला एरिया उसकी तरफ भी यहाँ से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, और जो 6 फेज से एंट्री करते हैं 43 बस स्टैंड वाली रोड, तो भी यहाँ से 15 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जिनके पास अपना टू व्हीलर है या कार है उनके लिए 15 मिनट की ड्राइव पे है चंडीगढ़ से, और पैसे बहुत जायज़ हैं, वाजिब हैं। 27 लाख 95 गज का 3 BHK, 110 गज का 30 लाख रुपये का। ये दो कोठियाँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर इसकी चाबी आपको मिल जाएगी, बैंक लोन इस पर मिल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कम पैसों में अच्छी लोकेशन पे और अप्रूव्ड जहाँ पे बैंक लोन अवेलेबल हो ऐसी कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 3 यूनिट हैं, एक बिक चुका है, 2 बचे हैं, और जो 2 बचे हैं वो भी बात चल रही है, अगर आप फ़ोन करने में आने में लेट हो जाओगे तो ये भी नहीं मिलेंगे। ऐसी और ऑप्शन अब बहुत ज़्यादा ढूंढोगे तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन हमें फ़िलहाल ऐसी कोई और ऑप्शन नहीं मिली है। हो सकता है आप हमसे ज़्यादा सर्च करके कहीं से कुछ ढूंढ लाएं, मैं उस पर डाउट नहीं करूँगा, लेकिन
हमें फिलहाल जितनी हम सर्च करते हैं उसमें से ये अच्छी ऑप्शन मिली है, तो इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि चंडीगढ़ से बाहर से देख रहे हैं, और आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो इसी महीने यानी कि दिसंबर को 23, 24, 25, 26 ये चार दिन हम एक मेगा एग्जीबिशन रियल एस्टेट की लगा रहे हैं, जहां पे 150 कंपनीज अपने ब्रांड लेकर एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगी, और सेक्टर 34 चंडीगढ़ में ये एग्जीबिशन हो रही है। अगर आप 150 लोकेशंस को एक ही जगह देखना चाहें तो ये चार दिन में से किसी भी दिन आप वहां पे आ सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये एग्जीबिशन चलती रहेगी, आप अपने सहूलियत के हिसाब से वहां पे आ सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको वहां पे जीरकपुर, डेरा बसी, न्यू चंडीगढ़, कुराली, खरड़, बनूड़, इन सभी लोकेशंस के ब्रांड आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और जो आप एक चाहते हैं कि स्पेशल डिस्काउंट हो, न्यू ईयर की को गिफ्ट्स हो, वो सब कुछ भी उन स्टॉल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।